दोस्तों आजकल इतने सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, वो भी मिलते जुलते प्राइस पे, तो ऐसे में कई बार माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि कौन सा लिया जाए और कौन सा इग्नोर किया जाए। कभी दिल करता है कि रेडमी नोट 5 प्रो ले लूँ, फिर लगता है कि चाइनीज़ ब्रांड का स्मार्टफोन नहीं लेना। फिर हमें दिखता है ये एसस ज़ेनफोन मैक्स प्रो। अब जैसे कि एसस चाइना का ब्रांड नहीं है, ये एक ताइवान का ब्रांड है, लेकिन फिर भी हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है सैमसंग का स्मार्टफोन। सैमसंग का नाम आते ही काफ़ी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यही लेना है। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग ऑन 6, रेडमी नोट 5 प्रो और एसस ज़ेनफोन मैक्स प्रो के बीच। तो ये वीडियो देखकर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा फ़ोन बेस्ट है। बाकी दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है आप सैमसंग का ही स्मार्टफोन लो। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। देखो चाहे हो Redmi Note 5 Pro या हो Asus ZenFone Max Pro, इन दोनों में ऊपर और नीचे एंटीना बैंड्स पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है, बाकी आपको पूरा बैक पैनल मेटल का मिलता है। Samsung ON 6 आता है प्लास्टिक बिल के साथ। आप इस फोन को हाथ में लोगे तो ये आपको उतना प्रीमियम नहीं लगेगा। अब दोस्तों Asus ZenFone Max Pro के लिए आपको देने होते हैं 11,000, Redmi Note 5 Pro आता है 15,000 में, और Samsung ON 6 के लिए आपको देने होंगे 14,490 रुपीस। इतना पे करने के बाद भी आपको कोई प्रीमियम स्मार्टफोन नहीं मिलता, प्लास्टिक बिल्ड वाला आपको स्मार्टफोन मिलता है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो Asus ZenFone Max Pro या Redmi Note 5 Pro दोनों में ही आपको 5.99 इंच का डिस्प्ले मिलता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। वहीं आपको Samsung में मिलता है 5.6 इंच का डिस्प्ले HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले तो मिलता है 18:9 वाला, लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो कम है, वो फुल HD प्लस नहीं है, HD प्लस है। बाकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एमोलेड पैनल दिया है सैमसंग ने, जो कलर्स वगैरह हैं वो इसमें आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, बट जो रेजोल्यूशन है वो आपको उतना अच्छा नहीं मिलता, तो डिस्प्ले के मामले में भी पीछे रह जाता है सैमसंग गैलेक्सी ON 6। अब बात आती है परफॉर्मेंस आपको किस में अच्छी मिलती है। देखो Asus ZenFone Max Pro या Redmi Note 5 Pro दोनों में आपको स्नैपड्रैगन 636 मिलता है, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलेगी इन दोनों डिवाइस में। अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी ON 6 की तो इसमें आपको मिलता है एक्सिनोस का 7870 जो कि 2 साल पुराना प्रोसेसर है। आप इससे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तब तो आप इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, नॉर्मल यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि कैमरा आपको किस में कैसा मिलता है। देखो Redmi Note 5 Pro में आपको रियर में ड्यूअल कैमरा का सेटअप मिलता है 12+5 मेगापिक्सल, और फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है 20 मेगापिक्सल का। अपर्चर आपको मिलता है फ्रंट और रियर कैमरा के लिए f2.2, और आपको इसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए EIS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। Asus ZenFone Max Pro की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको रियर में ड्यूअल कैमरास मिलते हैं 13+5 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, और यहाँ भी आपको अपर्चर मिलता है फ्रंट और रियर दोनों के लिए f2.2। EIS का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता। उसके बाद आता है हमारा सैमसंग। इसमें आपको ड्यूअल कैमरास नहीं मिलते रियर में, सिंगल कैमरा आपको मिलेगा 30 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, अपर्चर f1.9 फ्रंट और रियर दोनों के लिए। अब माना कि f1.9 अपर्चर है लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना कि करना चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी है रियर कैमरा तो आप Asus ZenFone Max Pro या Redmi Note 5 Pro दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरा अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा Redmi Note 5 Pro। अब अगर हम देखें कि बैटरी आपको किस में अच्छी मिलती है तो Asus ZenFone Max Pro बेस्ट है बैटरी के मामले में। इसमें आपको दी गई है 5000mAh की बैटरी, Redmi Note 5 Pro आता है 4000mAh के साथ, और वहीं Samsung में आपको मिलती है 3000mAh की बैटरी। तो बैटरी भी यहाँ कम है Samsung ON 6 में। और अगर बात की जाए सेंसर्स की तो Redmi Note 5 Pro या Asus ZenFone Max Pro दोनों में ही आपको सभी बेसिक सेंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन Samsung ने सेंसर्स को लेकर भी यहाँ कमी छोड़ दी है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको तीनों में ही Android Oreo मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस का फर्क है, Redmi Note 5 Pro आता है MIUI के साथ, Samsung में आपको Samsung का UI मिलता है TouchWiz, और जो Asus ZenFone Max Pro है इसमें आपको Stock Android मिलता है। Stock Android वाला एक्सपीरियंस होगा आपको Asus ZenFone Max Pro में। अभी आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है। तो दोस्तों Samsung Galaxy ON 6 बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। भले ही Samsung ब्रांड है लेकिन Samsung ब्रांड के चक्कर में भी ये फोन आपको नहीं लेना चाहिए। एक ही रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है आप यही फ़ोन लो इन तीनों के कंपैरिजन में, वो रीज़न है कि ये फ़ोन इजीली अवेलेबल है, इन दोनों के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। आप बताओ नीचे कमेंट्स में, अगर आपको फ्लैश सेल के चक्कर में ये दोनों स्मार्टफोन नहीं मिलते तो क्या आप इनकी जगह पे सैमसंग का ये स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे।
उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।